तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि खुशभवनपुर में अपने बाबा श्री अनंताचार्य जी महाराज जी आए हुए हैं, जो कि इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से कथा का वाचन कर रहे हैं सुल्तानपुर के रॉयल गार्डन मैरिज लॉन में। तो चलिए दिखाते हैं, आज कथा का चौथा दिन है और थोड़ा सा बारिश वगैरह हो गई है, लेकिन जो कथा का वर्णन हुआ है, जो सुंदर भजन है, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आरती वगैरह सुनिए, छोटा सा वीडियो है लेकिन मज़ा बहुत आएगी। Oh,
राधे राधे आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग बताइए आप लोग के भजन कीर्तन और जो भक्तिमय पूरा एक माहौल बना वो कैसा लगा आप लोगों को, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और राधे राधे हो सके तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और कौन कौन वहाँ पे आया था अभी तक और कौन कौन नहीं आ पाया है, जो जो लोग आए हैं वो लोग नीचे बता सकते हैं कि हाँ मैं अपना उपस्थिति वहाँ पे दर्ज किया था, किस डेट में आए थे आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 17 से 23 मार्च तक जो कथा चल रही है काफ़ी भक्तिमय माहौल हो चुका है। मौसम भी देखिए काफ़ी बेहतरीन हो रखा है, तो दो तीन दिनों से बारिश वगैरह भी थोड़ी बहुत हो रही, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी बरस रही है कि वहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है, या होती भी है तो रात में होती है, लेकिन जब कथा चलने शुरू होती है तो फिर कुछ नहीं होता, केवल माहौल जो है वो पूरा एकदम मस्त सनातनी हो जाता है, पूरा भक्तिमय हो जाता है। तो आप लोग भी आइए, महाराज श्री अनुज जी महाराज जी की कथा सुनिए, और काफ़ी बढ़िया कथा चल रही है इस समय। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आप लोग हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही दिखाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे। मुझे थाम।